Hello friends, welcome in RKG biology tutorial. In this lecture we are going to discuss pulse and difference between heartbeat and pulse frequency. See, what is the meaning of pulse? Pulse means the wave of distension felt in the wall of arteries during every ventricular systole. So I write here the wave of distension felt in wall of arteries during every ventricular systole ventricular contraction. See, wave of distension का क्या मतलब है? Suppose ये आर्टरी है और आर्टरी के अंदर इस तरह से ब्लड प्रेजेंट है, ओके और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, दैट मीन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड को पंप करेगा, और जब ब्लड इस आर्टरी के अंदर आएगा तो ये ब्लड वॉल ऑफ द आर्टरी पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा. क्लियर? तो जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसके रिजल्टेंट क्या होगा कि ये जो आर्टरी की वॉल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. क्लियर? आर्टरी की वॉल क्या हो जाएगी? इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. एंड दिस इज द वेव ऑफ डिस्टेंशन. इसी को क्या बोलेंगे हम? वेव ऑफ डिस्टेंशन. एंड दिस वेव ऑफ डिस्टेंशन इज द पल्स. इसी को क्या हम बोलते हैं? पल्स बोलते हैं. क्लियर? सो पल्स मीन्स द वेव ऑफ डिस्टेंशन फेल्ट इन द वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग एवरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिस्टोल होगा, ब्लड हार्ट से आर्टरीज के अंदर आएगा और वो ब्लड आर्टरी के वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसके रिजल्टेंट वॉल ऑफ आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. एंड दैट इज द वेव ऑफ डिस्टेंशन एंड दैट इज द पल्स. इसी को क्या बोलते हैं हम? पल्स बोलते हैं. क्लियर? से पल्स को हम जो है कि सुपरफिशियल आर्टरीज में फील कर सकते हैं. क्लियर? सुपरफिशियल आर्टरी जैसे कि रिस्ट के रीजन में प्रेजेंट है, यहां पे इस तरह से देख सकते हैं हम लोग. ठीक है? फील कर सकते हैं रिस्ट रीजन में, और टेम्पल रीजन में प्रेजेंट है, एंकल रीजन में प्रेजेंट है, नेक रीजन में प्रेजेंट है. क्लियर? तो ये जो आर्टरीज होती हैं, जो सुपरफिशियल आर्टरीज हैं, आई राइट हियर सुपरफिशियल आर्टरीज लाइक, जैसे कि आर्टरी है रेडियल आर्टरी, कहां पे? रिस्ट रीजन में है ये, यहां पे हम लोग पल्स को फील कर सकते हैं. और कैरोटिड आर्टरी है नेक रीजन में, यहां पे भी पल्स को फील कर सकते हैं. और दैट इज टेम्पोरल आर्टरी है ये टेम्पल रीजन में, टेम्पल रीजन. ठीक है? यहां पे इस तरह से. ठीक है? टेम्पल रीजन में. ठीक है? तो टेम्पल रीजन में, टेम्पोरल आर्टरी में पल्स को फील कर सकते हैं. और पोस्टेरियर टीबियल आर्टरी ये प्रेजेंट है, दैट इज द
एंकल रीजन में, क्लियर। तो ये जो आर्टरीज है दैट इज द रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये सुपरफिशियल आर्टरीज है। यहां पे हम पल्स को इजिली फील कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। सी वन थिंग हियर, पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट रेट, क्लियर। इसका क्या मतलब है, ईच हार्ट बीट जनरेट अ पल्स, ईच हार्ट बीट जनरेट अ पल्स, दैट मीन हार्ट बीट पर मिनट इक्वल टू पल्स रेट पर मिनट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कितना हार्ट बीट होता है पर मिनट, दैट इज 72 टाइम्स होता है पर मिनट, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द पल्स रेट, 72 टाइम्स पर मिनट, क्लियर। सो दैट इज द पल्स रेट, ईच हार्ट बीट जनरेट अ पल्स, एंड हार्ट बीट रेट पर मिनट इज इक्वल टू पल्स रेट पर मिनट, क्लियर। सी वन थिंग हियर, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द पल्स रेट एंड हार्ट बीट रेट, आई राइट हियर हार्ट बीट या हार्ट रेट, हार्ट रेट एंड पल्स फ्रीक्वेंसी, क्लियर। सी द डिफरेंस, हार्ट बीट कैसे जनरेट होता है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल ऑफ हार्ट। वॉल ऑफ हार्ट में कौन सी मसल प्रेजेंट है, दैट इज द कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है, और जब ये कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या जनरेट होता है, हार्ट बीट जनरेट होता है, क्लियर। सो हार्ट बीट जनरेटेड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल ऑफ हार्ट, दैट इज द कार्डियक मसल। और पल्स कैसे जनरेट होता है, तो इट जनरेट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स इन वॉल ऑफ, इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज में स्मूथ मसल्स है, आर्टरीज के वॉल में जो स्मूथ मसल है, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या जनरेट होता है, दैट इज द वेव ऑफ डिस्टेंशन जनरेट होता है, एंड दैट वेव ऑफ डिस्टेंशन इज द पल्स, क्लियर। नेक्स्ट वी सी कि हार्ट बीट को जनरेट कौन करता है, तो हार्ट बीट को जनरेट करने का काम नोडल टिश्यू करते हैं, कौन करते हैं, नोडल टिश्यूज। और नोडल टिश्यूज में जैसे कि एसए नोड है, साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस है, पुर्किंजे फाइबर्स है, ये सभी क्या है, दीज आर द नोडल टिश्यूज। बट जो हार्ट बीट को जनरेट करने का काम करता है वो है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। तो हार्ट बीट जनरेट होता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, ड्यू टू द ऑटो रिदमिसिटी ऑफ द एसए नोड। और पल्स को कौन जनरेट करता है, पल्स को, तो पल्स को जनरेट करने का काम हार्ट बीट करता है। जब हार्ट में बीट होता है दैट मीन हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या जनरेट होता है, वेव ऑफ डिस्टेंशन, एंड दैट वेव ऑफ डिस्टेंशन इज द पल्स, क्लियर।
तो पल्स को जनरेट करने का काम हार्ट बीट करता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है। तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम एसए नोड करता है ना, और नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, और हार्मोनल सिस्टम दैट मीन इंडोक्राइन सिस्टम। ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें एड्रिनेलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है एड्रिनल ग्लैंड से, और ये एड्रिनेलिन हार्मोन हार्ट बीट को क्या करता है, बढ़ा देता है, रेट ऑफ हार्ट को बढ़ा देता है। क्लियर। तो इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसए नोड इटसेल्फ, सो दीज कंट्रोल द हार्ट बीट, हार्ट रेट। एंड पल्स रेट को कौन कंट्रोल करता है, तो पल्स रेट को कंट्रोल करने का काम हार्ट बीट करता है। क्लियर। हार्ट बीट अगर ज्यादा है तो पल्स रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। हार्ट बीट कम है तो पल्स रेट क्या होगा, कम होगा। क्लियर। तो इस तरह से पल्स रेट को, पल्स फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम हार्ट बीट करता है। क्लियर। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन हार्ट बीट एंड पल्स फ्रीक्वेंसी। क्लियर। सो आई रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट द वीडियोज़।